चचा के प्रदेश में इतना पैसा आ रहा है कि त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा है, क्योंकि जिस तरीके का पैसा का जो झोल है वो निश्चित तौर पे यह दिखलाता है कि बिहार में पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ बाप रे बाप, दादा रे दादा, मैया रे मैया कह के चिल्लाने वाले जो शराब, अवैध शराब में जो पी के जो मरने वाले लोग हैं, उनको पता ही है कि बिहार में पैसे की किल्लत है। लेकिन जब चचा के यहाँ जब अधिकारी जब उनके नेता पकड़े जाते हैं तो बहुत पैसा निकलता है। इसीलिए बाप रे बाप, मैया रे मैया कहने वाले लोग, निश्चित तौर पर चचा से आप सवाल कीजिए कि इतना रुपया कहाँ से ही लोग किया है और आप पिछले 16 साल से कर कर रहे थे। चचा, बिहार का विशेष राज्य के दर्जा के लिए हमेशा मोदी सरकार को टारगेट करते हैं, लेकिन चचा के प्रदेश में कभी बच्चा पकड़ा रहा है तो कभी राधाचरण सेठ पकड़ा रहे हैं। वही राधाचरण सेठ जो आरा में जलेबी के दुकान चलाते थे, अब बालू के बड़े माफिया के रूप में उनकी पहचान है और जदयू के वर्तमान में MLC भी हैं, पहले राजद के MLC थे। लेकिन चचा बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांग के ये कहते हैं कि बिहार गरीब है, लेकिन गरीब राज्य में जब 250 करोड़ किसी के 200 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और उनकी बदनामी होने लगती है तो चचा को लगता है कि हमारे प्रदेश में गरीबी है, दरिद्रता है, लाचारी है, बेबसी है, कई तरह की बात हवाला देते हैं बिहार के विशेष राज को दर्जा को लेकर। लेकिन चचा अगर वास्तव में अगर बिहार में अपनी निगरानी बढ़ा दे तो निश्चित तौर पर बिहार में भी ऐसे एक से एक दिग्गज है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे अन्य क्षेत्र के माफिया हो और नेता हो या फिर पदाधिकारी हो, इनके पास इतनी अकूट संपत्ति है कि चचा को विशेष राज दर्जा की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि बिहार में अकूत संपत्ति है। भले ही बिहार को दिखाया जाता है कि बिहार गरीब है, लाचार है, बेबस है, लेकिन नेताओं के पास, काला चोर के पास जमा पूंजी इतनी जमा हो गई है कि जब पकड़ा जाता है तो 100 करोड़ से नीचे निकलता ही नहीं है। यह आलम है बिहार का और चचा कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। चचा का यह ड्रामा है या फिर चचा भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? और जब ऐसा ही खेल चलता रहेगा तो कभी राधाचरण सेठ जैसे लोग आएंगे तो कभी बच्चा राय जैसे लोग टॉपर भी बनाएंगे। बिहार में BPSC कई तरह का घोटाला होते रहा है और ये आलम और अभी बढ़ेगा, क्योंकि चचा अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जब चचा CM थे तो इतना काम कर रहे थे, जब PM होंगे तो और बड़ा काम करेंगे, क्योंकि चचा को बिहार का विशेष राज को दर्जा चाहिए, लेकिन चचा को बच्चा ने परेशान कर दिया है। चचा के प्रदेश में बच्चा राय गिरफ्तार, आज हम बात कर रहे हैं उसी बच्चा राय की, जिस बच्चा राय ने नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा धूमिल कर दिया था। 2016 में बच्चा राय ने एक ऐसा कमाल किया था शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिस वजह से बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था और चचा की बदनामी पूरे विश्व के पटल पे हुई थी। वही चचा की बात कर रहे हैं जो सुशासन का दावा करते हैं, उसी सुशासन के राज में 2016 में बच्चा राय ने टॉपर घोटाला किया था और उसी टॉपर घोटाला में बच्चा राय ने रूबी राय को टॉपर बनाया था बिहार का, उसी रूबी राय को टॉपर बनाया था जिसको बहुत से विषय का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह बोल भी सही ढंग से नहीं पाती थी। लेकिन यह बिहार है, चचा का कमाल है और बच्चा राय का धमाल है। आज स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा कि चचा का यह बच्चा आज जब गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार हो गया है और सच्चाई जब सबके सामने आएगी तो बहुत से बात होंगी कि बिहार में शिक्षा का क्या आलम है। इसी बच्चा राय की गिरफ्तारी के साथ साथ बिहार में अभी KK पाठक बहुत धूम मचाए हुए हैं, बच्चा हो या शिक्षक हो, सब जगह चर्चा का केंद्र बिंदु में है। लेकिन KK पाठक साहब को शायद इस तरीके का फरमान जारी करने में हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि बच्चा राय 2016 से 2023 में गिरफ्तार होता है और वह भी कैसे होता है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन KK पाठक जी को यह सोचना होगा कि एक बच्चा राय आज गिरफ्तार हुआ है, ऐसे न जाने कितने बच्चा राय होंगे जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति अर्जित की है और बिहार का शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ KK पाठक
स्कूल की छुट्टी पे भी धर्म की राजनीति करते हैं। के पाठक वैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरीके का फरमान उन्होंने जारी किया है कि हिंदुओं के पर्व पर छुट्टियां रद्द होंगी और मुस्लिमों को छुट्टी दिया जाएगा, यह दोहरी नीति के पाठक क्या करना चाहते हैं, किसके इशारे पे करना चाहते हैं, यह के पाठक को स्पष्ट करना चाहिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर राजनेता, आपको क्या मतलब है कि धर्म पे छुट्टी का खेल होगा। स्पष्ट बताना होगा कि यह आदेश आपका है या फिर नीतीश कुमार का या फिर लालू यादव का कि बिहार में हिंदुओं को अब छुट्टी नहीं मिलेगा और बच्चों को एक तरफ शिक्षा का बढ़ावा देने की बात हो रही है, एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर बदलाव की आवश्यकता है और आप बदलाव कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा की बात होगी और स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि के पाठक के आदेश के बाद अब तो बच्चे 2 घंटा बढ़ जाने के बाद 4 घंटे से 6 घंटे हो जाने के बाद अब बच्चे स्कूल से भी भागने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धर्म के छुट्टी के नाम पर शिक्षक भाग जाए और जरूरत से ज्यादा पढ़ाने पर बच्चे भाग जाए तो बिहार में बच्चा राय जैसा लोगों का मनोबल बढ़ेगा और टॉपर घोटाला का खेल होता रहेगा और के पाठक जी को निश्चित तौर पे बच्चा राय जैसे तमाम वैसे शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाना होगा। वैसी चीजें तो सामने नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक बच्चा राय के अलावा कोई बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से घोटाला करने वाला, बिहार को बदनाम करने वाला, शिक्षा को धूमिल करने वाला पर गिरफ्तारी जैसा कोई आदेश के पाठक का नहीं आ रहा है। वैसे चचा बहुत खुश होंगे क्योंकि बच्चा गिरफ्तार हो गया है। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।